नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 जनवरी 2019 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ भारत रत्न के बारे में है। 3 लोगों का नाम अनाउंस किया गया है इस बार भारत रत्न की प्राप्ति के लिए। सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दूसरे नंबर पर सोशल एक्टिविस्ट नानाजी देशमुख, इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिलेगा। और फेमस म्यूजिशियन डॉक्टर भूपेन हजारिका, इनकी भी डेथ हो चुकी है, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न मिलेगा। हम कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करें भारत रत्न के बारे में, जिसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। पहली चीज़ देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंडियन सिटीज़न को ही भारत रत्न मिल सकता है, किसी दूसरे देश के नागरिक को भी भारत रत्न मिल सकता है। तो ये चीज़ यूपीएससी पूछ सकती है प्रीलिम के क्वेश्चन में। ये स्टार्ट हुआ था 1954 में। एलिजिबिलिटी कुछ स्पेशली मेंशन नहीं है, लेकिन कोई भी पर्सन किसी भी रेस का हो, कोई भी उसकी ऑक्यूपेशन हो, कुछ भी पोजीशन हो, कोई भी सेक्स हो, वो एलिजिबल है भारत रत्न की प्राप्ति के लिए। वैसे हमारे संविधान के आर्टिकल 18 सेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है। जैसे देखो, ब्रिटिश इरा में सर की उपाधि दी जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो कुछ लोग जिनको सर की उपाधि दी जाती थी वो अपने नाम के आगे सर लगा लेते थे या फिर लोर्ड लगा लेते थे। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है, कोई भी इस प्रकार के ओनर को अपने नाम के आगे प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता या फिर सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला हुआ है, तो वो अपना नाम ये नहीं रख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नहीं। इस प्रकार से अवार्ड को नाम के आगे या फिर पीछे नहीं लगाया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि जिसको अवार्ड मिला है वो अपने विजिटिंग कार्ड में या फिर बायोडाटा में, लेटर हेड में बता सके कि मुझे अवार्ड मिला हुआ है, वो बात अलग है, नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकता। एक और खास बात देखो भारत रत्न के बारे में ये है, 2011 तक तो कुछ फील्ड्स मेंशन थी जिसमें ये अवार्ड दिया जा सकता है, जैसे आर्ट्स के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साइंस और पब्लिक सर्विसेज के क्षेत्र में किसी पर्सन ने बहुत ही अच्छा काम किया हो उसको ये अवार्ड दिया जा सकता है। लेकिन 2011 में सरकार ने रूल चेंज कर दिए। अब देखो, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, मतलब कोई भी फील्ड हो, किसी ह्यूमन बींग ने किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल काम किया हो, तो उसके लिए उसको भारत रत्न दिया जा सकता है। मतलब पहले 4 जो फील्ड्स निश्चित थी, अब दायरे को बढ़ा दिया गया है। कोई जरूरी नहीं 4 फील्ड्स के अलावा कोई भी फील्ड हो, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, किसी भी फील्ड में अच्छे काम के लिए यह अवार्ड दिया जा सकता है। देखो, भारत रत्न के बाद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं देश के। पद्म अवार्ड्स 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं ये अवार्ड्स, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इन अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया था 1954 में। काफ़ी सारे डिसिप्लिन में अच्छे काम के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जैसे आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज। अवार्ड देखो नॉर्मली मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो सामान्यतः मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अगर किसी की डेथ हुई है, मान लीजिए इस साल 26 जनवरी 2019 से पहले 1 साल के अंदर अंदर किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो और उसकी हाल ही में डेथ हुई हो 1 साल के अंदर अंदर, तो उसको मरणोपरांत भी दिया जा सकता है पद्मा अवार्ड। स्पेशल केसेस में दिया जाता है, कहने का एसेंस ये है, अदरवाइज पोस्थोमसली यानी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। इस बार NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 8वीं बटालियन जो लोकेटेड है गाजियाबाद में, इनको सिलेक्ट किया गया है आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। हम बात करें इस अवार्ड की, ये अवार्ड देखो इसी साल से स्टार्ट किया गया है। सरकार ने कहा है हर साल 23 जनवरी को ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाएगा। और इस पुरस्कार का नाम जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर देखो पूरा नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, और बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को। हर साल ये अवार्ड दिया जाएगा 23 जनवरी को ही।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये अवार्ड प्राप्त करने के लिए? देश के सभी सिटीजन्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, जैसे प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, रिस्पॉन्स, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिसर्च, इनोवेशन या फिर अर्ली वार्निंग, इन सभी क्षेत्रों में किसी ने अच्छा काम किया हो, चाहे वो नागरिक हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एलिजिबल है ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। और जिसको भी ये अवार्ड मिलेगा उसको कैश प्राइज मिलेगा 51 लाख का और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हम बात करें NDRF की, जिसकी 8वीं बटालियन को इस बार ये अवार्ड दिया गया है। ये देखो एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है डिजास्टर मैनेजमेंट से डील करने के लिए, और इस फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत। ये फोर्स जो है वो NDMA के अधीन आती है। NDMA मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है वो एपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंडिया में। खास बात ये है कि NDMA के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। इस पर फैक्ट पूछा जा सकता है, NDMA के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। वैसे मिनिस्ट्री की बात करें तो NDRF ये जो फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अधीन काम करती है। और हमारे फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है डिजास्टर को मैनेज करना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल राइनोज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? काजीरंगा नेशनल पार्क से 2 राइनोज को ट्रांसलोकेट किया गया है मानस नेशनल पार्क में। मानस नेशनल पार्क देखो यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और एक इनिशिएटिव है ब्रिंग बैक मानस। देखो अभी ऑलमोस्ट सारे के सारे जो राइनोज हैं वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। और समय समय पर एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बात उठाई जाती है कि राइनोज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूसरी जगह पर भी होना चाहिए। अगर देखो काजीरंगा नेशनल पार्क में कोई नेचुरल डिजास्टर, फॉर एग्जाम्पल बाढ़ आ जाती है या फिर कुछ और हो जाता है, तो इससे तो खतरा ये है सारे राइनोज की डेथ हो सकती है एक ही साथ। तो सेफ चलना बिल्कुल ठीक रहेगा कि दूसरी जगह पे भी कुछ ना कुछ राइनोज होने चाहिए, और मानस नेशनल पार्क इसके लिए बिल्कुल ठीक जगह है। तो ये एक इनिशिएटिव है ब्रिंग बैक मानस, जिसके अंतर्गत कुछ राइनोज को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है मानस नेशनल पार्क में काजीरंगा नेशनल पार्क से। और इसी कड़ी में 2 राइनोज को हाल ही में ट्रांसलोकेट किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस नेशनल पार्क में। हम बात करें मानस नेशनल पार्क की, लोकेशन आप देख सकते हो मैप में, ये देखो ऊपर मानस नेशनल पार्क है, भूटान के साथ बॉर्डर लगता है। इवन मानस के नाम से ही भूटान में भी एक नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पे असम रूफ टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी होग, ये सब देखने को मिलते हैं। मानस रिवर गुजरती है मानस नेशनल पार्क से, और मेन जो टूरिस्ट स्पॉट है वो है मोथनगुरी। ये टूरिस्ट स्पॉट मानस नेशनल पार्क के नॉर्दर्न बॉर्डर पे है। और आप ये मैप भी देखिए, इस मैप में आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्दर्न बैंक के पास है मानस नेशनल पार्क। और मानस नेशनल पार्क में जैसा हमने डिस्कस किया, मानस रिवर गुजरती है जो कि 2 सेपरेट रिवर्स में डिवाइड हो जाती हैं, बेकी और बोल कादुबा। नेक्स्ट हम अगर बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, ये भी देखो असम में है, लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है, ये नीचे है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क का टोटल एरिया है 430 स्क्वायर किलोमीटर, और पूरे वर्ल्ड में वन होर्न राइनो की जितनी पॉपुलेशन है उसकी देखो 2/3 तो सिर्फ इसी नेशनल पार्क में मिलती है। टोटल यहाँ पे 2200 के आसपास वन होर्न राइनो मिलते हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया था 1908 में मैरी कर्जन की रिकमेंडेशंस के बाद। मैरी कर्जन लॉर्ड कर्जन जो कि फेमस हैं बंगाल के विभाजन के लिए, उनकी वाइफ थी। ये पार्क ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के एज पर स्थित है, और 1985 में इस पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के द्वारा। देखो राइनो की 2 दूसरी स्पीसीज, एक तो जावन राइनो और दूसरा सुमात्रन राइनो, ये दोनों राइनो के जो स्पीसीज हैं वो फिलहाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से। और जावन राइनो की एक सब स्पीसीज, इसको तो एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है 2011 में।
लेकिन हमारा जो वन हॉर्न राइनो है, हमने काफी सारे एफर्ट्स लगाए हैं इसको कंजर्व करने के लिए, तो प्रयास नतीजा ये निकला है कि संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है वन हॉर्न राइनो की। अब पहले ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आया करता था, लेकिन अब आयुष्मान की रेड लिस्ट के हिसाब से ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, पोचिंग होती रहती है वन हॉर्न राइनो की। तो फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको काफ़ी मुस्तैदी बरतनी पड़ती है। अगर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क में और कौन से एनिमल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर देखो, वाइल्ड वाटर बफेलो, स्वैम्प डियर, हुलो गिबन, टाइगर, लियोपर्ड, इंडियन एलिफेंट, स्लोथ बियर। काजीरंगा नेशनल पार्क को 2006 में टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था, और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इस काजीरंगा नेशनल पार्क को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं, ये सारे नाम दिए हुए हैं, सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा ये एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के हिसाब से। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर अब आप दीजिए। इनमें से कौन सी एनिमल की जो स्पीसीज हैं वो आयुसीएन की रेड लिस्ट के हिसाब से इंडेंजर्ड लिस्ट में आती है? इंडियन गोर, वन हॉर्न राइनो, व्हाइट बेलीड सी ईगल। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। किस संदर्भ में, याद कीजिए, एक नेवल एयर स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया था नॉर्दर्न अंडमान में, जिसका नाम था INS कोहासा। तो उस एयर स्टेशन का जो नाम था वो व्हाइट बेलीड सी ईगल के नाम पे था। तो आपको ये बताना है इन तीनों में से कौन सी एनिमल या फिर बर्ड की जो स्पीसीज हैं वो IUCN की रेड लिस्ट में आती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, इसका सही आंसर है डी, इंडियन गोर, जिसे इंडियन बिसन के नाम से भी जाना जाता है। ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। दूसरा, वन हॉर्न राइनो, जिसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया, संख्या बढ़ गई है, पहले इंडेंजर्ड कैटेगरी में आया करता था ये वन हॉर्न राइनो, अब वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। तीसरे नंबर पे व्हाइट बेलीड सी ईगल, ये तो देखो IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है ये ईगल। तो सही आंसर होगा इसका डी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल IONS यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में है। कंटेस्ट बाद में जानेंगे, पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं IONS के बारे में। ये देखो एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है, वो देश जिनका कोस्ट लगता है इंडियन ओशन में, जिनका तट लगता है इंडियन ओशन में, वो देश मेंबर हैं IONS के। टोटल मेंबर्स की संख्या है 35। विभिन्न रीजन्स से ये मेंबर आते हैं, जैसे साउथ एशियन, वेस्ट एशियन, ईस्ट अफ्रीकन, साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन। वैसे 35 मेंबर नेशंस के अलावा 9 स्टेट्स के पास ऑब्जर्वर स्टेटस हैं, जैसे चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, मदगास्कर, मलेशिया, नीदरलैंड, रशिया और स्पेन। काम क्या है इस सिंपोजियम का? काम देखो ये है, 2 साल में एक बार मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, और नेवी के चीफ आते हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उन मेंबर कंट्रीज के नेवी के चीफ आते हैं मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, और 2 साल में एक बार मीटिंग होती है। चर्चा होती है कैसे ये 35 देश आपस में मिलके मैरीटाइम कोऑपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और अभी फिलहाल कंटेस्ट ये है, इस बार इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की मीटिंग होगी ईरान के एक शहर बंदर अब्बास में। ये लोकेशन है बंदर अब्बास की, लोकेशन देखो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है बंदर अब्बास की। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। तो UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे स्वात वैली, जो जो चीज़ें, जो जो लोकेशन सुर्खियों में रहती हैं, उन लोकेशंस से संबंधित मैपिंग के क्वेश्चंस UPSC पूछ लेती हैं। तो बंदर अब्बास के बारे में आप याद रखिएगा, कहाँ पर है, कौन से देश में है, किस किस के बीच में है। अब आप एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में। पहली स्टेटमेंट ये है, IONS का सबसे पहला सेशन ऑर्गेनाइज हुआ 2015 में इंडियन नेवी की अध्यक्षता में। दूसरी स्टेटमेंट, ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है इंडियन ओशन रीजन में, जिन देशों का किनारा लगता है, कोस्ट लगता है उन देशों की, ताकि कोऑपरेशन को आपस में इंक्रीज किया जा सके। मैरीटाइम कोऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट तो देखो गलत है, क्योंकि सबसे पहला सेशन इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का ऑर्गेनाइज हुआ था 2008 में,
और 2015 में जो सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था वो पहला नहीं था। हर दो साल में एक बार इसका सेशन ऑर्गेनाइज होता है और सबसे पहला सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था 2008 में। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2017 में। देखो कितना आसान क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, और ये तो बल्कि उस समय काफ़ी करंट अफेयर में था। एक और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में। ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है डी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सारस क्रेन के बारे में है। सारस क्रेन देखो उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है। कंटेस्ट क्या है? कंटेस्ट देखो ये है, संख्या इंक्रीज हो गई है सारस क्रेन की। एफर्ट्स जो लगाए गए हैं इस बर्ड को कंजर्व करने के लिए, उन एफर्ट्स का ये नतीजा है। खास बात सारस क्रेन की ये है, गर्दन जो है उस पे रेड कलर है और वाइट कलर का कॉलर है। ये जो फीचर्स हैं सारस क्रेन को बाकी क्रेन से अलग करते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है सारस क्रेन, और ये वर्ल्ड का टालेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। हाइट है सारस क्रेन की 5 फीट के आसपास। इतनी हाइट वाला कोई पक्षी नहीं उड़ सकता, तो इसीलिए इसे कहा जाता है वर्ल्ड का टालेस्ट फ्लाइंग बर्ड, यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला पक्षी जो कि उड़ सकता है। कहाँ कहाँ पर मिलता है? देखो इंडियन सारस क्रेन ना सिर्फ इंडिया में बल्कि नेपाल और पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में भी मिलता है, और ये सर्वाहारी है, मतलब कुछ भी खा लिया जाता है सारस क्रेन के द्वारा, जैसे फिशिज, इंसेक्ट्स, प्लांट्स या फिर प्लांट के रूट्स, सब कुछ अपनी डाइट में लिया जाता है इस सारस क्रेन के द्वारा। और इकोलॉजिकल बैलेंस में काफ़ी अहम रोल इस पक्षी के द्वारा निभाया जाता है, क्योंकि जो हार्मफुल इंसेक्ट्स या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खा लिया जाता है सारस क्रेन के द्वारा। आयुष्यन की डेड लिस्ट के हिसाब से ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में आता है सारस क्रेन। साइट्स जो कि कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीशीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, साइट्स की कन्वेंशन के हिसाब से सारस क्रेन आता है अपेंडिक्स सेकंड में। चलते हैं आगे। लास्ट आर्टिकल यूएन की एक रिपोर्ट के बारे में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2019। ये रिपोर्ट देखो वैसे यूएन की है, लेकिन यूएन की काफ़ी सारी एजेंसीज ने इसे मिलकर तैयार किया है। तो इतनी सारी एजेंसीज हैं तो यूपीएससी ये पूछेगी कि कौन सी एजेंसी ने ये इसे तैयार किया है, इसकी संभावना कम ही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, क्या ये यूएन की रिपोर्ट है या फिर नहीं है। जी हाँ, ये यूएन की रिपोर्ट है, और इसे यूएन की काफ़ी सारी एजेंसीज ने मिलकर तैयार किया है। इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि 2019 और 2020 में भी इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। 2018-19 में इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ रेट 7.4% रह सकती है, 2019-20 में 7.6% और 2020-21 में 7.4%। तो प्रीलिम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें याद रखना। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या डिस्कस किया। हमने भारत रत्न के बारे में डिस्कस किया, हमने पद्मा अवार्ड्स के बारे में जाना, आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में जाना, NDRF, राइनो, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, हमने इस रिपोर्ट के बारे में जाना, यूएन की रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, जिसे यूएन की काफ़ी सारी एजेंसीज ने मिलकर तैयार किया है। हमने IUNS यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में जाना, और क्या हमने डिस्कस किया, सारस क्रेन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।